Hello, ladies and gentlemen. A very good evening to all of you. My name is Ishant Sharma, and thank you so much for tuning in once again. यार एक बात बताइए, एक बात पे एक्चुअली आप गौर करिए कि जब T20 में किसी का सिलेक्शन होता है, किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन होता है, खासकर IPL में, तो आप क्या देखते हैं? मतलब खासकर अगर आप बल्लेबाज या ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, तो यार आप ये तो देखते ही हैं कि उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में करा है, मगर एक बहुत जरूरी चीज है, उसका स्ट्राइक रेट यार। क्योंकि अगर आपका स्ट्राइक रेट कम हो T20 क्रिकेट में, तो आप पूरी टीम को दबाव में डाल सकते हैं, आप पूरी टीम को प्रेशर में डाल सकते हैं। और अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, मतलब अगर आपने 10 बॉलिंग खेल के 30 रन भी मार दिए, तो आप अपने आप काम कर देते हैं। ऑफकोर्स इफ यू स्कोर बिग, अगर आप मतलब शतक लगाते हैं, 50 लगाते हैं, अगर आप लंबा खेलते हैं, तो वो और भी अच्छी बात है यार। लेकिन अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, कहने का मेरा ये मतलब है, तो IPL में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी टीम के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड डेफिनेटली इन अ फॉर्मेट लाइक T20 क्रिकेट, स्ट्राइक रेट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में यार, जिनका IPL में जो स्ट्राइक रेट है ना, सबसे उज्जवल नंबर पे है, मतलब सबसे ऊपर है इनका स्ट्राइक रेट। एंड आई थिंक यू नो देयर डेफिनेटली बी वेरी गुड नेम्स ऑन दिस लिस्ट, क्योंकि यार ये काम करना आसान नहीं है। और अगर आपने ये काम सबसे बेहतर करके देखा है, सलाम करते हैं हम आपका। नंबर 5 पे इस लिस्ट पे है ग्लेन मैक्समैन, हूज प्लेड 69 मैचेस और इनका स्ट्राइक रेट है 161.13 का। जी हाँ, ग्लेन मैक्समैन, जिन्होंने 2014 में, आपको याद होगा, UAE में जब किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे, हल्ला बोला था यार। और ये IPL भी UAE में है, यू नो व्हाट आई मीन? व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट ग्लेन मैक्समैन दिस सीजन, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। चलिए अब नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे इस लिस्ट पे है ऋषभ पंत, हूज प्लेड 54 गेम्स एंड स्ट्राइक सेट 162.69। जी हाँ, इनफैक्ट मुझे याद आती है ऋषभ पंत की एक इनिंग्स IPL में कुछ साल पहले गुजरात लायंस के खिलाफ, आई थिंक स्कोर 97 और 98, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा था उसके बाद खुद, क्या इससे बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने IPL के इतिहास में नहीं देखी। तो मतलब ऋषभ पंत स्पेशल तो है यार, बस थोड़े कंसिस्टेंट अगर हो जाए ना, तो सिर्फ उनका नहीं, पूरे देश का फायदा होगा, दिल्ली का भी फायदा होगा एज फार एज IPL इज कंसर्न। नंबर 3 पे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब जिनका नाम सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, और हैरानी होनी भी चाहिए यार, क्योंकि मुकाबले कम खेले, लेकिन ये जो स्टैट है ना, इसमें हमने मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस नहीं डाले, इसलिए मोइन अली भी इस लिस्ट का हिस्सा है। हालांकि नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ऑफ कोर्स उन्होंने भी अच्छे काम करे हैं IPL में, और खासकर ये जो सीजन है, क्योंकि UAE में हो रहा है, आई थिंक इट डेफिनेटली सूट्स मोइन अली स्टाइल ऑफ प्ले, स्पिन भी करते हैं जो UAE में काम आएगी। तो यार आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल एज फार एज RCB इज कंसर्न्ड, द IPL 2020। मोइन अली, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज ऑन दिस लिस्ट एट नंबर 3 with 16 matches, और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो है 165.92, पर कीवर्ड ये है कि 16 मैचेस खेले हैं सिर्फ। और मोइन अली भी ये कबूल करेंगे दैट यू नो ही नीड्स टू प्ले मोर नंबर ऑफ मैचेस इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस पोजीशन बेटर। नंबर 2 पे यार एक ऐसे खिलाड़ी है, मतलब जिनको गौतम गंभीर ने नीचे से ऊपर उठा दिया एज फार एज हिज बैटिंग ऑर्डर वॉज कंसर्न। मतलब कहाँ बल्लेबाजी करते थे, फिर ओपन कराने लगे, नाम है सुनील नारायण। यू नो कुछ सालों पहले ओपन करना शुरू करा, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा सुनील नारायण ने, और इस हद तक नहीं देखा यार कि नंबर 2 पे हैं एज फार एज यू नो द स्ट्राइक रेट इज कंसर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL। 110 मुकाबले भी खेले हैं, तो मतलब ही इज डन दिस कंसिस्टेंटली एंड ही स्ट्राइक्स एट 168.34 लेडीज एंड जेंटलमैन। और पहले नंबर पे, मतलब आपको लग रहा है क्रिस गेल, अनफॉर्चुनेटली सरप्राइजिंगली क्रिस गेल इस लिस्ट पे नहीं है, और उसका कारण है, कारण ये है कि यार जब क्रिस गेल चलते हैं तो मतलब बहुत मारते हैं, उनसे ज्यादा कोई रन नहीं मार सकता, लेकिन जब क्रिस गेल नहीं चलते तो कभी कभी अपने शेल में आ जाते हैं। आपको याद होंगे वो मुकाबले थोड़े बहुत जहाँ पे मतलब 30 गेंदों पे 10 रन पे होते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक यू नो दोस पर्टिकुलर सिचुएशंस हैज प्रोबेबली जस्ट स्पॉइल्ड इट अ लिटिल फॉर क्रिस गेल, बट इस लिस्ट में है एक और नए वेस्ट इंडीज के सेंसेशन मसल रसल, ऑन्ड्रे रसल। जी हाँ, हुज लीडिंग द लिस्ट, हुज सिटिंग प्रीटी एट द टॉप, 64 matches and strike rate of 186.41. जी हाँ, I mean that's unbelievable, isn't it? Ladies and gentlemen, उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको मजा आया। ये थी आपके सामने लिस्ट, ये थी कुछ दिलचस्प आंकड़े आपके सामने। अगर मजा आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। सजेशंस अगर देना चाहते हैं कि यार हम किस तरीके की वीडियोस कर सकते हैं टू मेक दिस मोर इंटरैक्टिव, फील फ्री टू डू सो। माय नेम इज ईशान शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, नमस्ते। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद हम यही करते हैं आपको मजा आया। एडियोस अमिगोस।